मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका, यूनिक फीचर ऑफ एमएस वर्ड। आप जब भी कोई वीडियो देखे मोबाइल से, आंखों की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। आज का जो वर्क है वो केवल आपको रीड करना है और समझना है, उसको उतारना नहीं है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि एमएस वर्ड क्या होता है। आप एमएस वर्ड क्या है, एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू फीचर्स। उसके अंदर नए नए फीचर्स होते हैं जो कि आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, सब एमएस वर्ड के अंदर ही तैयार करते हैं। देखिए, आज बात करते हैं इसके नए फीचर की। टेक्स्ट डायरेक्शन फीचर चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट इन ए टेबल। जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप इसकी सहायता से जो भी आप टेबल तैयार करते हैं उसका जो ओरिएंटेशन है आप उसको चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो मैंने लिखा हुआ है एक कॉलम में, सॉरी रो में, और ये हो गया आपका एक कॉलम में, यानी तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका वर्टिकल। तो आप किसी भी टेबल का जो ओरिएंटेशन है आप उसको चेंज कर सकते हैं। द ट्रैक चेंजेस फीचर्स अलाउज मल्टीपल पीपल। आप इसकी सहायता से एक साथ अनेक लोग किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं और उसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर कोई ऑडिटर का था पढ़ा रहा हो, उसे समझा रहा हो, तो मैं भी चेंज कर सकता है। ठीक है, या मैं आपको समझा रहा हूँ, घर में कोई उसको देख रहा है, तो वो इसमें सजेशन कर सकते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन फीचर ऑटोमेटिकली और मैनुअली, या तो अपने आप हो सकता है या आपको करना पड़ेगा। स्प्लिट द लो वर्ड, जो भी आपके बड़े बड़े जो वर्ड होते हैं, अलोनिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड, किसी भी शब्द का पहला पार्ट टू अपियर एट द एंड ऑफ द लाइन। आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में लिखते हैं, अगर किसी भी लाइन में आप शब्द लिखते हैं उसका जो पहला अक्षर होता है वह लाइन में नहीं आता, तो आप क्या लगा देते हैं, एक डैश लगा देते हैं, और जो बाकी अक्षर है वो कहाँ लिख देते हैं आप, उसको अगली लाइन में लिख देते हैं। तो वो होता है आपका हाइबरनेशन, यानी जो आखिरी जो शब्द होता है और जब आप उसको टुकड़े कर देते हैं, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, वो होता है आपका हाइबरनेशन। आधा लेकर आपका ऊपर की लाइन में और आधा लेकर आपका नेक्स्ट लाइन में सबसे आगे, वो होता है आपका हाइपरनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ आई प्लस एफ थ्री। कीबोर्ड की कीज का क्या यूज कर सकते हो आप, जो आई प्लस एफ थ्री अगर आप प्रेस करते हो। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।